राहुल भाई है दीमापुर से और बिट्टू भाई है उड़ीसा से। तो आज सुबह मैंने उखरुल से सुमो पकड़ी और सुमो पकड़कर जाना तो था मुझे माओ, तो माओ की जगह मैं तदोबी में रुक गया। कितना आ गया है माओ? हाँ, यहाँ पे तदोदी में उतरा, फिर उसके बाद एक होटल ढूंढा। होटल ढूंढने के बाद यहाँ पर एक एंटी है, उनके पास मैं खाना खाने आ गया। कितना हुआ एंटी? अब इतना सफर करके ना ऐसे जाइए। नहीं नहीं एंटी, ऐसा नहीं, बताइए कितना हुआ। अब इतना दूर है सफर करने ना, हमने देगा मेरा तरफ से पानी भी देगा आपको। एंटी एंटी, ये तो मेरा काम है, प्लीज समझा करिए एंटी, समझा करिए, बताओ कितना। एंटी प्लीज, ऐसे मैं फिर दोबारा नहीं आऊंगा कभी भी आपके पास। एंटी एंटी प्लीज बताइए कितना। एंटी प्लीज, देखो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। नहीं नहीं, आप बताइए कितना हुआ प्लीज प्लीज। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप पैसे लेंगे तो। मुझसे बताइए कितना हुआ। अच्छा फिर 50 रुपया दे दो। और पानी की बोतल का? नहीं नहीं, पानी तो मैं देगा। ये लीजिए, थैंक यू एंटी। ये है तदोबी टाउन और यहाँ पर मैं कल दोपहर को पहुँच गया था। और यहाँ से जो नागालैंड बॉर्डर है वो ज़्यादा दूर नहीं है। कल आपको देखा था, पहचान नहीं। कल किधर देखा था? वो नीचे में। अच्छा नीचे में, जब उधर जा रहा था मखेल की तरफ जा रहा हूँ शायद, यहीं पे रहते हो। तो ये थे अपने छुटकू सब्सक्राइबर, यहीं के रेजिडेंट। हाँ बाकी मैं ये बता रहा था आपको, जो तदोबी टाउन है यहाँ से नागालैंड बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। ये एरिया नागा डोमिनेटेड एरिया है और नागा में भी यहाँ पर डोमिनेंस है माओ ट्राइब की। कल यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं यहाँ पे पास में गांव पड़ता है मखेल, वहाँ चला गया था। नागा लोगों के लिए मखेल गांव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अकॉर्डिंग टू नागा माइथोलॉजी, नागा लोगों की जो शुरुआत है वो यहीं पर हुई थी। नागा नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, ह्यूमन रेस की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी अकॉर्डिंग टू नागा माइथोलॉजी। यहीं पर जो दुनिया के क्रिएटर हैं उन्होंने एक लेडी को बर्थ दिया था और उस लेडी के 3 बच्चे होते हैं, एक टाइगर, एक ह्यूमन बीइंग और एक स्पिरिट। जो ह्यूमन था उसके भी शायद 3 बच्चे होते हैं, एक बन गए मैथिल लोग अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी बता रहा हूँ मैं ये, एक बन गए नागा और एक बन गए प्लेन के लोग, यानी अपनी तरफ वाले लोग। हर एथनीसिटी में और हर कम्युनिटी की अलग अलग माइथोलॉजीज़ हैं कि दुनिया कैसे स्टार्ट हुई होगी और कैसे नहीं। पीछे अगर आप देख पा रहे हो उधर पड़ता है मखेल विलेज, और उस गांव के अंदर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी लेकिन पता नहीं यार वीडियो ढंग से नहीं बन पाई। और अब जो मेरी मणिपुर की ट्रिप है ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। अभी मेरी 3-4 जगह हैं जो मुझे कवर करनी है, उनमें से एक है नूनी ब्रिज, यानी दुनिया का सबसे हाईएस्ट पियर ब्रिज जो मणिपुर में ही है। उसके बाद लोकतक लेक जाना है। दादा इम्फाल जाएगा? इम्फाल जाएगा, हम लोग सेनापति है। सेनापति छोड़ दोगे? थैंक यू यार। मैंने एक बार हाथ किया और भाइयों ने गाड़ी रोकी। आप कहाँ से? वैसे आपका नाम दादा? दीपांशु। मैं सर मुंबई से। आप उड़ीसा से? दीमापुर का है। आप दीमापुर के हैं? खाएगा खाएगा। अच्छा आप पेट्रोल लेके आ रहे हो? पेट्रोल डीजल दोनों। आधा आधा। अभी मुझे लिफ्ट दी है राहुल भाई और बिट्टू भाई ने। राहुल भाई है दीमापुर से और बिट्टू भाई हैं उड़ीसा से। दादा अभी कहाँ पहुँच गए? अभी कहाँ? लायरोंग। लायरोंग 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 में भाई और खाना खाने रुके हैं। तो ये मान लीजिए सेनापति और तदोबी के बीच में। भाई क्या मस्त वैली है, मैं आपको वैली दिखाता हूँ। ये देखिए दोनों तरफ पार्ट, बीच में से नदी बह रही है, थोड़ा सा ही पार्ट है और उधर रहना लोगों ने खेती कर रखी है। और मोस्ट प्रोबेबली मानसून के टाइम पर ये सारा का सारा यहाँ पर पानी भर जाता होगा। आप कहाँ से हो मैम? मणिपुर के। अच्छा गुरखा है आप? यहाँ पे मणिपुर में कितना गोरखा लोग रहते हैं? यहाँ पर पूछने से ना, हाँ
एक डिस्ट्रिक्ट का ईस्टर्न से ज्यादा होगा गोरखा होने से तो सच में तो अच्छा लेकिन डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया ने अच्छा लिया नहीं है नहीं तो एक डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा ईस्टर्न गोरखा लोगों का यहाँ पे कब आए थे गोरखा लोग यहाँ पर हाँ यहाँ पर आया था गोरखा लोग आने से 1844 में वो आया हुआ तो अंग्रेजों के टाइम में आ गए नागालैंड में भी गोरखा लोग आए लेकिन मणिपुर से पीछे पीछे में वो लोग नागालैंड में पहले आए थे यहाँ पहले आए थे पहला फर्स्ट मणिपुर मणिपुर में और नेपाल में किधर आपके दादा किधर रहते थे आपके दादा पड़दादा आए हुए नेपाल से काठमांडू से आगे नेपाल तराई की तरफ से नहीं थे तराई से नहीं थे तराई में भी है अच्छा ये दमक में तो उससे आगे पहाड़ी में है अच्छा हिल एरिया में बैठे आपका नाम सर जी शेर बहादुर छेत्री अब कहाँ से हूँ हरियाणा से रहता मुंबई में हूँ पहला मेरा इधर का ही तो आपको मैथी और माओ दोनों बोलना आता होगा ना तो सब आएगा अब मैं आसाम में सर्विस एक सर्विसमैन हूँ मैं पेंशनर हूँ अच्छा पेंशन है क्या हाँ, अच्छा बावजी हूँ पहले मैं अभी आप लोग यहाँ से कहाँ तक चलते रहे सर मैं इम्फाल की तरफ जा रहा हूँ आज लोकतक पहुँचा लोकतक लेक लोकतक प्रोजेक्ट लोकतक बोलते हैं ना हाँ असली लोकतक प्रोजेक्ट थैंक यू सर अच्छा ओके थैंक्स कोई ना कोई मिल जाएगा थैंक यू यार राहुल भाई और बिटू भाई के साथ मेरा साथ यहीं तक था अभी सेनापति का जो आउटस्कर्ट्स है वहाँ पहुँच गया हूँ मैं और अब यहाँ से मुझे अगली गाड़ी लेके आगे तक पहुँचना है मैं उखरुल से आया था तादुबी कल रात को तादुबी में रुका आज जा रहा हूँ इंफा क्या करे घूमने यहाँ पे कौन सा ट्राइब है माओ ट्राइब है यहाँ पे माओ हाँ आपको बोला जाए पूरा मिसा में अच्छा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर की एक और बड़ी टाउन सेनापति और यहाँ पर भी काफ़ी जगह है घूमने की लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो मैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट को कवर नहीं कर पाऊँगा आप अपनी भाषा में थैंक यू कैसे बोलते हैं बुमाई में टालोए थैंक यू दादा कितना हुआ नहीं बताइए बताइए कितना हुआ प्लीज़ बताइए आपका काम है ठीक है थैंक यू यार यहाँ पे एटीएम किधर होगा सेनापति डिस्ट्रिक्ट एंड सेनापति टाउन संडे के दिन यहाँ पे एकदम लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो जाती है मिजोरम का भी सब देखे हैं अभी बस मैं एसबीआई में आ रहा था और पीछे से भाई बोलते नोमैडिक इंडियन में हाँ यार नोमैडिक इंडियन थैंक यू दीपक भाई ओके यार भाई हो गया अरे यार ये जेसीबी की खुदाई चल रही है कुछ भी हो भाई ये जेसीबी की खुदाई है ना देखने में मज़े बहुत आते कहीं पे भी चले जाओ जब ये वाली मीम ट्रेंड में आई उस टाइम मैं मंगोलिया में था और गोबी डेजर्ट में ट्रैवल कर रहा था शुभम से मिलने से पहले की बात ये और वहाँ पे एक जगह पर है ना जेसीबी से वो बंदे काम लगे हुए खुदाई उदाई चल रही थी भाई सच में लिटरली 8-9 बंदे वहाँ पे खड़े हुए थे बस वो देख रहे थे कि साला नीचे से क्या निकाल रहा है ये और ऐसे कुछ स्पेशल नहीं था मिट्टी निकल रही थी और क्या निकलेगा सोना थोड़ी निकलेगा वहाँ से लेकिन फिर भी पता नहीं हम इंसानों को जेसीबी की खुदाई देखने में मज़े बहुत आते हैं ये बस शायद इम्फाल जाएगी इम्फाल इम्फाल बस स्टेशन वो बस जाएगी ना ये भी जाएगा आप कितनी देर में जाएगा अभी आधा घंटा में निकल जाएगा कितना पैसा 150 ठीक है आपका लगेज पीछे रख दो बिल्कुल यार आपका नाम दादा मेरा नाम राहुल हमको सब आता है ये तो पबजी वाला है पबजी चलने लग गया क्या चलने तो लग गया थोड़ा बहुत साले ये तो फेम से भी गहरा नशा है पबजी का तो ये होने का टाइम दारू भी नहीं चाहिए पीते मैं यार कभी कभार पीता हूँ क्या कौन सा लाल वाला नहीं सर ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं यार मैं नया ड्रिंक करूँ और पीने भी मैं ना प्रेशर में लगाऊँ मेरे को दारू इतनी अच्छी नहीं लगती लेकिन लोग पीते हैं तो मैं एकदम अकेला पड़ जाता हूँ तो मजबूरी में पीनी पड़ जाती है बताना यार कि माला मराठी है इतना है
बम्बई गए क्या? बम्बई में रहता हूँ यार, हूँ हरियाणा से। क्या काम करते? मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, यूट्यूब में? हाँ जी। कौन सा वाला है आपका? नोमैडिक इंडियन। रोमांटिक इंडियन? रोमांटिक नहीं, नोमैडिक इंडियन। नोमैडिक इंडियन भाई, मेरे को रोमांटिक इंडियन। हम लेके भी आप भी बलिया से हैं क्या? नहीं, ये आरा डिस्ट्रिक्ट। आरा से? भाई ये बात देखो, मैं मणिपुर में घूम रहा हूँ, नागा लोगों के इलाके में, जहाँ पे मुझे बिहारी भाई मिल रहे हैं, गुरखा भाई मिल रहे हैं, और नागा भाई तो थोड़ी देर पहले मिले थे। यहाँ पे कौन सा ट्राइब का डोमिनेंस है इस एरिया में? बुमाई। पी या बी? पी एज इन पैरेट। बुमाई है। चलो ठीक है यार, बैक टू इम्फाल। तो पीछे वाला बैग है, इसको मैं मेरे एक फ्रेंड के घर पे रखूँगा और उसके बाद मैं निकलूँगा लोकतक लेक के लिए। तो बाद में मिलते हैं आपसे। कितने का टिकट? 100। अच्छा ठीक। बैग वैग रखने में थोड़ा लेट हो गया और मोइरांग यानी लोकतक लेक अभी भी यहाँ से 40 या 50 किलोमीटर दूर है। 4:30 हो चुके हैं और लगभग आधे घंटे में यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। मोइरांग वो जगह है जहाँ पर अपने इंडियन नेशनल आर्मी का एक मेमोरियल बना हुआ है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापानीज आर्मी के साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। पूरा मेरे को उसका बैक हिस्ट्री नहीं पता है, जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगा यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा और ढंग से बता पाऊँगा। और वहाँ पे एक जगह और पड़ती है लोकतक लेक, और वहीं से अपने एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था अपने घर पर, तो आज मैं उनसे भी मिलने वाला हूँ, उनसे ही बातें होगी। यहीं पे दादा, अभी मोइरांग पहुंच गया हूँ और यहाँ से मुझे आगे जाना है थंगा। थंगा एकदम लोकतक लेक के बीच में पड़ता है, छोटा सा गांव है। टाटा मैजिक के ऊपर बैठ के जा रहे हैं रात को। आप कहाँ से हैं? थंगा। मैं भी उधर ही जा रहा है। दादा कितना टाइम लगता है थंगा का? कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट्स। मैं कल शाम को निकलूंगा। यार पहले मुझे लग रहा था कि मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन मिल गई। ध्यान से मैंने माजी फोन तो नहीं करा रहा। हाँ हाँ, बूम जान में जी। हेलो हेलो जसो। जसो, थैंक यू जसो ब्रदर। एंड सॉरी यार, बहुत लेट हो गया मैं। कोई बात नहीं यार। तो गाइस ये है अपने जसु भाई, मुझे होस्ट करने वाले हैं। ये आंसर। तो जसु भाई के आशियाने में पहुंच चुका हूं मैं थंगा लोकतक लेक में। एक गड़बड़ हो गई है यार, जसु भाई है ना कैमरा पे नहीं आना चाहते। कोई नहीं यार, मैं कल तक भाई को कन्विंस कर लूंगा ये कैमरा पे आ जाए। वाओ नाइस भाई साहब। वाओ ब्रदर, लकड़ी का घर, मस्त एकदम। घर का जो टूर है ना, मैं आपको ढंग से नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि अभी यार मैं थोड़ा थक गया हूँ, आज बहुत भागा दौड़ी हो गई। स्टार्ट मैंने आज किया था बिल्कुल नागालैंड बॉर्डर से, उसके बाद इम्फाल, इम्फाल के बाद इधर मोइरांग, मोइरांग से फिर इधर भाई के घर पर। पहले मैं था नागा लोगों के पास, उसके बाद मुझे लिफ्ट दी अपने गुरखा भाइयों ने, उसके बाद मैं अभी रात को रुकूंगा अपने मैती भाइयों के साथ। सबसे पहले अपने नागा, उसके बाद फिर अपने गुरखा, और अब अपने मैतई।
छोटी सी स्टेट है लेकिन डाइवर्सिटी काफ़ी है यहाँ पर। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे मणिपुर की सबसे फेमस टूरिस्टिक डेस्टिनेशन लेकिन एक अलग अंदाज में, हाँ जी, लोकतक लेक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।